हाँ स्टूडेंट, मैं हूँ अंकित और स्वागत है आपका डिविजिबिलिटी रूल के पार्ट सेकंड में। तो आज डिविजिबिलिटी रूल जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में जानेंगे कि एट्थ क्लास में जो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और जो हमने पिछले वाले जो चैप्टर वो पिछले वाले के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि आपको कितना लर्न रहा है, उसमें से कितने आपको डिविजिबिलिटी रूल लर्न रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं दो तीन नंबर लिख देता हूँ और आपको उन पर डिविजिबिलिटी रूल लगा के यस नो में आंसर देने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, एक नंबर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, लाइक एस नंबर है 1, 3, 4। देखते हैं इस क्वेश्चन में सारे डिविजिबिलिटी रूल लगा के हम देखते हैं किसमें क्या 2 का डिवाइड जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 4 का देख लेते हैं, 5 का देख लेते हैं, 6 का देखते हैं, 7 का, 8, 9, 10 एंड 11। इनका डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं इसमें यस नो में से क्या आता है। कि ये नंबर लिया हमने 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 को देखते हैं हम। चलो 2, 3, 4 कर देते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं अब इसमें डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे पहले 2 का डिजिटली रूल क्या बोलता है कि लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, तभी इसमें डिवाइड जाएगा। तो लास्ट में इसके 4 आ रहा है, इट मींस इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इसका मतलब 2 का डिजिटली रूल इसमें लग जाएगा। तो यस, यहां पर तो यस हो गया। सेकेंड, हम थर्ड की बात करें, जो थर्ड है, थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 3 का, कि सम ऑफ जो डिजिट होते हैं इनके डिजिट को सम कर दो, इन सबको प्लस कर देते हैं, 2 को 3 में प्लस कर दो और 3 को 4 में प्लस कर दो, कितने बनते हैं 9 बनते हैं। और 9 में अगर 3 का डिवाइड जाता है इट मींस इस पूरे नंबर में भी 3 का डिवाइड जाएगा, तो 3 का डिवाइड भी यहां इसमें चला जाएगा। तो 3 के लिए भी ये क्या हो गया, यस हो गया कि 3 का डिवाइड इसमें चला जाएगा। अब देन बात करें हम फोर्थ की। फोर नंबर क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट को उठा के देखो, लास्ट के 2 डिजिट जो है नंबर के, गिवन नंबर के, अगर उनमें 4 का डिवाइड जाता है तभी इस पूरे नंबर में जाएगा। तो लास्ट के 2 डिजिट 34 है, 34 में 4 का डिवाइड नहीं जाता है, बिकॉज 49 जा कितने होते हैं 36 और 48 जा कितने होते हैं 32, तो नहीं जाता है इसमें 34 में, डिवाइड 4 का नहीं जाता है, तो 4 के लिए डिजिटली रूल नो हो गया। अब 5 के लिए बात करते हैं इसकी, कि 5 का क्या इसमें डिवाइड जाता है या नहीं जाता है। तो 5 के लिए अगर चेक करें तो 5 का डिवाइड डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो लास्ट में अपना क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट अपनी 4 आ रही है, लेकिन 5 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल के, लास्ट में या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तभी डिवाइड जाएगा। तो 2, 3, 4 में लास्ट में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसमें 5 का डिवाइड नहीं जाएगा। आफ्टर दैट बात करें 6 की, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जिसमें 2 का और 3 का डिवाइड जा रहा हो, जिसमें 2 का और 3 का डिवाइड जा रहा हो उसमें कंफर्म है किसका डिवाइड जाएगा, 6 का डिवाइड उसमें जाएगा। तो 6 के लिए भी ये क्या हो गया, यस हो गया। आफ्टर हम बात करें 7 की, जो आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगा होगा, तो 7 का वैसे एक्चुअल में हार्ड है नहीं, अपन सोच लेते हैं तभी हार्ड है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो नंबर है गिवन नंबर, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ट्वाइस किया, 4 2 जा कितने बन गए 8 और उस 8 को 21 में से माइनस कर दीजिए, 13 में से 8 गए कितने बच गए अपने 2 और 3 5 और यहां बन गया 15। तो यह हमारे नंबर आ गए 15। क्या 15 में 7 का डिवाइड जाता है, या तो यहां पे हमारे 0 बचना चाहिए था या 7 या 14 इनमें से बचने चाहिए थे मल्टीपल 7 के। तो यहां पे क्या होता है 15 में 7 का डिवाइड नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 7 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या बन गया, नो हो गया। 8 का डिवाइड करें तो 8 के डिवाइड के लिए तो ये पूरे नंबर में डिवाइड हमें करना पड़ेगा, बिकॉज 8 का डिवाइड क्या बोलता है कि पूरे इसमें किसका, तीनों डिजिट में किसका डिवाइड जाना चाहिए, तीनों के तीनों में 8 का डिवाइड जाना चाहिए। तो 3 के देख लेते हैं, 8 2 जा 16, देन 4 एंड 3 7 74, 8 9 जा 72, तो 2 रिमाइंडर अभी भी बच गया। तो इसका लिए क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी देख सकते थे जिसमें 2 का और 4 का डिवाइड जाता है उसमें ही 8 का डिवाइड जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 बन जाते हैं। तो यहां पे सिंपली नहीं जाएगा 8 का डिवाइड। अब देन 9 की बात करें, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सेम टू सेम 3 के डिविजिबिलिटी रूल के जैसा होता है कि सब नंबर को हमें प्लस करना है, 2 को 3 को और 4 को प्लस कर लीजिए, 9 बनते हैं। अगर 9 बनते हैं तो 9 में 9 का डिवाइड जाता है, इट मींस क्या बन गया 9 के लिए, यस बन गया, और 8 के लिए तो नो था ही। 10 की बात करें तो 10 क्या बोलता है, किसके यूनिट डिजिट में कितना होना चाहिए थे, यहां पे 0 होना चाहिए था, तो 0 नहीं है इसके लास्ट में, इसके लिए 10 के लिए भी क्या बन गया, नो बन गया। 11 की बात करें, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिजिटली रूल बोलता है एक नंबर छोड़ के एक नंबर पे चले जाओ, एक डिजिट छोड़ दो अगले डिजिट पे चले जाओ। तो 2 और इसको प्लस करेंगे तो 6 बनते हैं, मिडिल में बच गए 3 को माइनस करते हैं कितना आंसर आ गया 3।
तो यहां पे क्या बचना चाहिए था हमारा रिमाइंडर, जीरो बचना चाहिए था, या फिर 11 बचने चाहिए थे, या 22 बचने चाहिए थे, कि मल्टीपल बचने चाहिए थे 11 के, तो यहां नहीं बच रहे हैं, नहीं रिमेन रहे हैं, तो यहां 11 के लिए भी क्या बन गया, 9 हो गया। तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल इसलिए लिया है ताकि जो आपने पार्ट फर्स्ट में डिजिटली रूल पढ़े हैं वो सारे आपको लर्न रहे, इसलिए मैंने सारे डिजिटली रूल यहां पे राइट कर दिए हैं। तो आपको अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 11 तो कोई भी डिजिटली रूल लगता है या नहीं लगता है। तो देखिए आप, ये तो इसकी बात, एक क्वेश्चन की बात थी कि इसमें डिजिटली रूल हम लगा के देख सकते हैं किस तरह से सबके डिजिटली रूल काम आएंगे। अब एक्चुअल में है क्या आपके कोर्स में, या तो 3 का डिजिटली रूल है या फिर आपके अंदर 9 का है और एक 11 का है, बस आपके बस 3 डिजिटली रूल काम में आएंगे, 3 का, 9 का और 11 का। और आपके क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, तो हम क्वेश्चन भी करते हैं इसके, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके, यहां पे राइट कर रहा हूं मैं, लाइक एज इफ द टू एक्स 5 1 इज मल्टीपल ऑफ 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहां पे ऐसा भी लिखा जाएगा वेयर एक्स इज ए डिजिट, जहां एक्स क्या है, एक डिजिट है। अब डिजिट क्या होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है, मैथ्स में कितनी डिजिट होती हैं, कई बच्चों का आंसर होता है 9, 9 नहीं होती, एक्चुअल में 10 होती हैं। डिजिट कौन सी होती हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट होते हैं, आप इनको काउंट करके देख लीजिए 10 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथ्स के अंदर कितनी डिजिट होती है, हमेशा 10 डिजिट होती है। तो इसका मतलब ये है जो एक्स की वैल्यू आएगी वो या तो जीरो रहेगी या 1 रहेगी या 2 रहेगी, यही रहेंगी। ऐसे नहीं कि आंसर 10 भी आ जाए, 10 आंसर नहीं आ सकता है, बिकॉज यहां पे 2 आ गई है डिजिट, तो ये 1 और 0 अलग अलग डिजिट हो गई, तो ये नंबर बन चुका है, तो नंबर है ये, डिजिट नहीं है। तो एक्स की वैल्यू बोला डिजिट है। अब देखते हैं इसका आंसर करके, ट्राई करते हैं कि आंसर कैसे निकालें इसका, पॉसिबल वैल्यू जो बक्स आती हैं, जो भी है जैसा भी क्वेश्चन है। अब देखिए आप कैसे करेंगे इसको, यहां जो गिवन नंबर दिया है, वी नो दैट, हम राइट करेंगे वी नो दैट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स, मतलब हमें क्या करना है, सब डिजिट को प्लस कर देना है। 9 का डिजिटल रूल क्या बोलता है कि जितने भी नंबर हैं सब डिजिट को हमें क्या कर देना है, प्लस कर दीजिए। जैसे हम इनको प्लस करेंगे, देन 2 एंड 5 7 7 एंड 1 8, तो ये बन गया 8 प्लस एक्स, ये आया है इनको प्लस करके। ऐसा नहीं है कि हम एक्स को भी इसके अंदर प्लस कर दें, 2 और 5 7 बन गए, 7 और 1 8 बन गए, और एक्स अपना वेरिएबल जो था वो एक साइड में अलग से रह गया। तो हमारा जो आंसर आया अभी 8 प्लस एक्स आया है कि इनको प्लस करने में इतना आता है। अब 9 का डिजिटल रूल क्या बोलता है, इसमें कब डिवाइड जाएगा, 9 का डिवाइड तब भी जाएगा जब यहां पे क्या नंबर बने, या तो यहां पे 9 बने या 18 या 27, इन नंबरों में से बनना चाहिए था यहां पे। तो देखते हैं यहां पे 8 तो है, एक्स की जगह क्या लें हम, तो एक्स की जगह सारी डिजिट रख सकते हैं हम, एक्स की जगह 0 रख सकते हैं, 1 रख लें, 2 रख देते हैं, 3 रख लेते हैं, 4 भी रख लेते हैं, 5 भी रख लेते हैं, 6 भी रख लेते हैं, 7 भी रख लेते हैं, और 8 और 9 भी रख लेते हैं। देखते हैं 8 में 0 प्लस किया तो अपना आंसर आया 8, इसको प्लस किया 9, इनको प्लस कर दिया 10, इनसे आ गया 11, इनसे 12, 13, 14, 15, 16 एंड हेयर 17। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें डिवाइड जाएगा 9 का, तो 9 ही ऐसा नंबर है जिसमें 9 का डिवाइड जाएगा। जहां पे एक्स की वैल्यू क्या रखी है तब जाएगा, एक्स की वैल्यू यहां पे 1 रखी है, इसलिए यहां पे 9 का डिवाइड जाएगा। सो द पॉसिबल वैल्यूज या वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 1, कि इसके अंदर हम यहां पे, आप कई बच्चे सोच रहे हैं कि 10 भी तो रख सकते थे सर, तो 18 में 9 का डिवाइड जाता है, लेकिन यहां पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, अब डिजिट में थोड़ी आई है, यहां एक्स की वैल्यू नंबर में आ गई है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक्स की वैल्यू किस में होनी चाहिए, हमेशा डिजिट में होनी चाहिए। तो मैं एक्स की वैल्यू को डिजिट में ही रखना है, इसलिए यहां पे हमें 9 तक ही लेना है, यहां 10 यहां पे यूज नहीं करना है। तो हमारा क्या हो गया अब आंसर, कि यहां पे एक्स की वैल्यू है जो 1 होगी तभी यहां इसमें 9 का डिवाइड जाएगा, कि जैसे ही 1 हो जाएगा 2 और 1 3 बनेंगे, 3 और 5 8, 8 और 1 9 बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे इसको करेंगे। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जलाइक एज 3 का, सेम टू सेम क्वेश्चन रखते हैं हम, सेम प्रोसेस यहां पे हमें अप्लाई करना है। देन सो आई राइट हियर क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन और राइट कर देता हूं, इफ द 3 4 p 5 इज मल्टीपल ऑफ 3, देन फाइंड द
फाइंड द पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, और यहां पे क्या लिखा रहेगा, द पी इज ए डिजिट। सो सेम प्रोसेस हम अप्लाई करना है यहां पे। सो आंसर हम राइट करेंगे इसका, कैसे राइट करेंगे, हम सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, इस क्वेश्चन में भी वैसे हमें अप्लाई करना है। तो कैसे हम इसमें अप्लाई करेंगे देखिए, तो यहां पे सबसे पहले हमें राइट करना है, वी नो दैट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो यहां पे क्या करना है, हमें 3 को 4 को p को और 5 को प्लस कर देना है। देन आवर आंसर 3 एंड 4 7, 7 एंड 5 12 प्लस पी आएगा। तो ये तो हमें सम करके यहां पे गेट हुआ है कि इनको सम करके इतना आएगा हमारा आंसर। देन अब बात करते हैं इसके रूल की। देखिए अब यहां पे पी की जगह सारी डिजिट हम रख सकते हैं, 0 रख ले हम तो कितना बन जाएगा, 12 का 12 ही रह जाएगा। यहां 1 रखेंगे तो कितना बनेगा अपना, 13 बनेगा। क्या 12 में 3 का डिवाइड जाता है, 12 के लिए तो 3 का डिवाइड जाता है, 13 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा अपना, जैसे 2 रखेंगे हमारा 12 और 2 14 बन जाएगा, तो डिवाइड नहीं जाएगा। 3 रख के देखते हैं, 12 एंड 3 कितने बन गए, 15 बन गए, तो 15 में 3 का डिवाइड जाता है, 3 5 जा 15। ऐसे ही 4 में भी नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 6 में जाके 18 बन जाएंगे, फिर ना 8 में होगा ना, फिर किस में होगा, 9 में होगा, तो कितने बन जाएंगे, 21 बन जाएंगे। तो कौन कौन से ऐसे नंबर आ गए हमारे पॉसिबल वैल्यूज, सो द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी इक्वल टू कितना बन गया, 0, 3, 6 और 9। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर पहली वैल्यू आपको मिल जाती है 3 के लिए, उसमें आपको 3 जोड़ते जाना है। जैसे 0 मिला 3 जोड़ दिया, 3 बन गया, 3 में 3 ऐड कर दिया 6 बन गया, 6 में 3 ऐड कर दिया 9 बन गया। आपको जैसे ही एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए 3 के मल्टीपल के लिए, आप उसमें 3 ऐड करते जाओ और आपको आगे का आंसर मिलता जाएगा। तो यहां पे हमने ऐड करके क्या कर दिया, आगे का आंसर में, हाँ, डिजिट में मिल चुके हैं। तो इसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी होगी, 0 होगी, 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी। कि पी की जगह अगर 0 रखेंगे तो इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, पी की जगह अगर 3 रखेंगे तो इसमें 3 का डिवाइड चला जाएगा, या फिर इसके अंदर 6 होगा तो डिवाइड चला जाएगा, या फिर 9 होगा तो इसमें डिवाइड चला जाएगा। जैसे हम बात करें इसके लिए, यहां पे मान लीजिए 9 होता, मल्टीपल ऑफ 9 बन जाता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन, यहां भी 9 लिख देते हैं। अब 9 के लिए क्या होता है, देखिए अब 9 बोलता है कि मेरे अंदर उन्हीं नंबरों का डिवाइड जाएगा जिसके अंदर क्या रहे, 9 का डिवाइड रहे, जिनको प्लस करके। तो हम 12 और 0 को प्लस करते हैं 12 होते, ऐसे ही 1 को प्लस करते तो 13 होते, ऐसे कर करके हम अगर 12 में 6 प्लस करते तब भी 18 आते, अदरवाइज किसी भी डिजिट को आप रख देंगे तो अपना 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो अगर 12 में 6 ऐड करेंगे तभी 18 बन पाएगा, तो 12 में जैसे 6 ऐड करेंगे 18 बन जाएगा, और 18 में 9 का डिवाइड जाता है, तो अपनी पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। सो द वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू 6, कि 6 यहां पे रहेगा तभी इसमें 9 का डिवाइड भी जाएगा। अब देखिए कई क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ये हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो देखिए अब कैसे करेंगे इसके अंदर, देखिए इफ द 3, 4, y, 2 इज मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, देन हेयर वी फाउंड द value of y two types, या देखो क्या है क्वेश्चन, ये बोला है कि अगर 3, 4, y, 2 होगा, अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें y की दो वैल्यू मिलेंगी, हमें y की डबल वैल्यू मिलेंगी। तो क्यों मिलेंगी, y एक्सप्लेन इट, ऐसा क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि 3, 4, y, 2 में 9 का डिवाइड जाता है तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी डबल, तो और वो क्यों मिलेंगे ये भी हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 को, जो मैंने बताया था सम ऑफ ऑल डिजिट होता है इसका, सम ऑफ ऑल डिजिट, तो सारे क्वेश्चनों में मैं लैंग्वेज नहीं राइट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन जाएगी इसके चक्कर में। 3 + 4 + y + 2 को प्लस कर देंगे तो कितना बनेगा, 3 और 4 7, 7 and 2 9, 9 में y को प्लस कर देंगे। जैसे ही 9 में y को प्लस करेंगे, अब देखिएगा अब क्या होगा, 9 में y को प्लस किया, अब 9 की जगह सारी डिजिट रखेंगे y की जगह, 9 की जगह पहले 0 रख के देखते हैं तो 9 बनेगा। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, अपनी वैल्यू क्या आ गई, पहली 0 आ गई, पहली वैल्यू हमें 0 मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा, ऐसे करके 9 में 9 को प्लस करेंगे तभी 18 आएगा। तो
तो ये भी 9 की टेबल में आता है 18, वरना 9 में 8 को प्लस करें तो कितना बनता है 17 बनता है, जो 9 की टेबल में नहीं आता है, तो 8 भी नहीं होगा y का आंसर। y का आंसर क्या होगा, एक तो 9 बन जाएगा, एक 0 बन जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी 0 आए 9 की मल्टीपल में, तो 0 में 9 को प्लस कर दो कितना बनता है 9। तो अगर 0 इसका एक वैल्यू आती है तो दूसरी वैल्यू कंफर्म है इसकी 9 ही आएगी अगर 9 का मल्टीपल है तो। अगर मान लीजिए 3 का होता, 3 में 1 पॉसिबल वैल्यू आ जाती, जैसे एक मान लो यहां पे कुछ भी 8 होता, 8 में 1 प्लस करते 9 बन रहे, तो 9 में 3 का डिवाइड जाता, तो अगर 1 आता है यहां पे एक पॉसिबल वैल्यू 3 के लिए, तो 3 में 3 प्लस करते जाते 4 बन जाता, 4 में 3 प्लस कर दिया 7, 7 में 3 प्लस किया 10, तो 10 तो होता नहीं है डिजिट, ये तो नंबर में आ जाता, तो ये आंसर होता है 3 के लिए। तो 3 के लिए अलग है, और 9 के लिए क्या होता है, अगर यहां पे हमें 0 मिल गया है तो इसके बाद में 9 कन्फर्म है मिलेगा हमें, क्योंकि 9 में 9 प्लस करें यहां पे कितना आता है 18 आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसमें दो वैल्यू मिलेंगी 9 के लिए, अगर 0 हमें गेट होता है तो हमें क्या मिलता है आगे 9 भी श्योर है मिलेगा ही। हम बात करें 11 की, तो ये बड़े इजी क्वेश्चन आता है इसके अंदर, एक 11 का क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिएगा जैसे यहां पे मैं राइट कर देता हूं 3, 4 अक्स 5, 2, ये मान लीजिए इज मल्टीपल ऑफ 11, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अक्स, अक्स अवेयर अक्स इज ए डिजिट। अब इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करके देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो अक्स का डिविजिबली रूल क्या होता है, डिविजिबल रूल ऑफ 11, 11 का डिजिटल क्या बोलता है, जो नंबर है उनके अपन ऑड और इवन प्लेस डिजिट को प्लस करते जाएं। देखिए 3 में अक्स को प्लस करेंगे, अक्स में इसको प्लस कर देंगे, 4 और 5 को प्लस कर देंगे, तो देखिएगा क्या आएगा। तो नॉर्मली 4 और 5 को प्लस कर देते हैं, पहले 9 बन जाता है, 9 में से हमें क्या माइनस करना है 3 को, अक्स को, 2 को माइनस करना, तो कितने बनेंगे देखना, 9 माइनस ये बन गए 5 प्लस अक्स, तो क्या बन गया 9 माइनस 5 माइनस x, जब बाहर माइनस होता है तो दोनों नंबर माइनस के बन जाते हैं, तो 9 में से 4 के कितने बच गए 4 माइनस x। अब 4 माइनस x क्या आना चाहिए, यहां पे अपना मैन ये होना चाहिए कि 4 माइनस x क्या है, या तो 0 आए या फिर 11 आए, तो 11 तो कोई कंडीशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि 4 में से माइनस हो रहा है तो 11 तो नहीं आ सकता कोई कंडीशन में, तो यहां पे क्या आना चाहिए ऐसा नंबर x की जगह, तो x की जगह अगर 4 ही करेंगे तो 4 में से 4 जाते हैं तो 0 बनेगा, तो यहां x की वैल्यू क्या बन गई अपनी 4 बन गई है, क्योंकि यहां पे इस x की जगह ऐसा नंबर लेना है जिससे क्या बन जाए 0 बन जाए, 11 तो अब किसी भी कंडीशन में आ नहीं सकता, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसको यहीं पर लिखो, आप पहले क्या करते 3 को x को 2 को प्लस करके माइनस करते 9 से, तो ये बन जाता 5 प्लस x माइनस 9, तो कितना बन जाता 5 में से 9 के कितने बचते अपने माइनस के 4 प्लस x, तब भी हमें क्या मिलना था यहाँ पे x की जगह ऐसा नंबर लेना था जिससे क्या बन जाए 0 बन जाए, तो x की जगह 4 आ जाता, तो माइनस 4 और प्लस 4 क्या बन जाते हैं 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 4। अब कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है क्या कि x की जगह सर यहाँ पे अपन 15 भी तो ले सकते हैं, 15 में से 4 गया 11 बचता है, लेकिन क्या 15 11 भी तो बचना चाहिए, उससे भी डिवीजन हो जाता है क्या, ये बात आप ध्यान से देखिए, क्या 15 एक डिजिट थोड़ी है, डिजिट नहीं है एक 15, तो अपना क्या है 15 एक डिजिट नहीं है, एक नंबर में आ गया, तो 15 हमने यहां पे नहीं ले सकते, हम सिर्फ यहां पे एक 4 ले सकते हैं, तो 4 के लिए अप्लाई होता है कि अक्स के लिए यहां पे क्या होनी चाहिए अपनी 4 होनी चाहिए। तो ये था आज के इस वीडियो के अंदर, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़े से और टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो अभी इसी वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, कट।